कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकते। तो वही बात चाहिए कि कम समय में हम कैसे बच्चों को ज्यादा एजुकेशन दे सकते हैं, ज्यादा वो पढ़ा सकते हैं और बच्चे आकर्षित होकर पढ़ने के लिए आए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो आजकल के डेट में बच्चे लोग मतलब पढ़ाई से रुचि है, पढ़ाई से दूर भागते हैं और एब्सेंट बहुत करते हैं, वो मैंने देखा है। तो ऐसी चीजें रहेंगी, ऐसा स्मार्ट क्लास रहेगा तो बच्चे एब्सेंट कम करेंगे, एब्सेंट कम करेंगे तो सीखेंगे ज्यादा, ये तो निश्चित है। इसमें तो अभी बहुत सारा फीचर्स है, जैसे अभी हम कुछ भी चीज पढ़ा है उसका नोट्स भी हम शेयर कर सकते हैं बच्चे को, तो कोई एब्सेंट रहता है या फिर नहीं आ पाता या फिर उसको एक बार समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो स्टूडेंट रहेंगे तो भाई मिस्टेक ही, अगर उसको समझ में नहीं आया तो घर में भी अपना वो चीज को कर सकते, जो भी यहाँ पे होगा वो अपना घर में भी कर। और फिर क्या कहेंगे, घर में भी वो सारा एक बार रिवाइज हो जाए, एक बार क्या वो जितना बार चाहे रिवाइज कर सकते, वो तो उसके पास चला जाएगा ना, उसके बाद जितना बार देखना चाहे जितना देख क्या वो समझ सकता है, तो इससे बेहतर और क्या होगा। बहुत सारा फीचर्स है अभी तो बहुत ज्यादा, अगर हम धीरे धीरे हम उसके बारे में और शेयर करेंगे बीच बीच में, और लोग वीडियो आते रहेगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए दो शब्द बोल दीजिए सर। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट का जो काम देख रहे हैं वो बहुत हम आज इंटरेस्ट हुए देखकर, वो तो सभी बोल ही दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है, खासकर ये आज हमको बहुत अच्छा लगा देखने के, बच्चे नई चीजें सीखेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे और बच्चे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ आकर्षित होंगे, और अगर आकर्षित होंगे तो निश्चित ही नई नई चीजों को वो जानने का प्रयास करेंगे। और ये मेरे लिए भी बहुत नई चीज हमको लगी, क्योंकि इतना ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता था, आज जो जाना, तो जब बच्चे आएंगे सीखेंगे तो एक बेहतर माहौल बनेगा, और इंस्टीट्यूट का नाम चारों ओर फैलेगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल सर। तो और बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उसको देखकर बच्चे अच्छे से पढ़ें और अपने अपना जो क्षेत्र है, अपना जो शहर है उसका नाम रोशन करें, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और बेहतर देश के बेहतर नागरिक बनिए। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि आप देश के बेहतर नागरिक बनिए। बिल्कुल सर। और इससे बेहतर और कुछ नहीं है, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। बिल्कुल ये कि आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनिए, लेकिन संस्कार सूखिए और देश के लिए कुछ मतलब करिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने जो लाइफ दिया है वो बहुत छोटा लाइफ दिया है, 50 साल 60 साल 70 साल, और ये 60 साल 70 साल बहुत तेजी से बीत जाता है, तो आपको यही 50 साल और 60 साल में बहुत कुछ करना रहता है, तो आप देश के लिए कुछ कीजिए, कुछ अपना नाम छोड़ कर जाइए, यही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।